अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त गुजरात से आ रही है। वडोदरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। नगर निगम और वडोदरा पुलिस को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने एक पुलिस चौकी को भी आग के हवाले कर दिया और कई गाड़ियों को भी फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने अतिक्रमण हटाने पहुंचे दस्ते पर पत्थरबाजी भी की। जवाब में पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से सड़क पर आगजनी की है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, लोग विरोध कर रहे हैं इस अतिक्रमण का, ये इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। तो नगर निगम और जो वडोदरा पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे थे, सब पर पत्थरबाजी की गई और उल्टा जब लोगों का गुस्सा फूटा तो पुलिस को भी वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा लोगों को कंट्रोल करने के लिए। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए और सीधे उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। विरोध कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा था जिसका लोग विरोध कर रहे थे। नगर निगम और वडोदरा पुलिस, ये देखिए किस तरह से लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लोगों ने आग लगाई है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है, स्टोन पेल्टिंग भी करी है और लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग करी और साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। सड़कों पर आगजनी की तस्वीर है, साथ में एक्शन में गुजरात पुलिस, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भार्गव परीख हमारे सहयोगी हमें और जानकारी दे रहे हैं। भार्गव, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर और क्या कुछ हुआ? देखिए, बरोड़ा में इस हफ्ते के अंदर ये दूसरी बार ये घटना हुई है। अतिक्रमण को दूर करने के लिए बरोड़ा का आजवा जो सिटी है, आजवा सिटी के अंदर ये पथराव हुआ है। जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग अतिक्रमण दूर करने के लिए वहां पे पहुंचे थे तब ये पथराव हुआ, उसके अंदर 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिसकर्मी का करीब बल वहां पे बुलाया गया है, पुलिस ने टीयर गैस के सेल भी छोड़े हैं और फायरिंग भी वहां पे हवा में फायरिंग की है ताकि लोगों को बिछड़ा जाए। पुलिस ने एक हफ्ते पहले फिर नोटिस दी थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने और पुलिस दल के साथ वहां पे पहुंचे थे तब नागरिकों ने ये पथराव किया है। जी शुक्रिया भार्गव जानकारी हमें देने के लिए। तो फिलहाल स्थिति थोड़ी वहां पर कंट्रोल में दिखाई दे रही है।